अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप भी सोचते होंगे कि स्टार्ट उर्दू पे करता है और आगे बातें जो पंजाबी में करता है। पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है, पंजाब का रहने वाला हूँ और बड़ा मज़ा आता है। उर्दू में भी काफ़ी बिलाव की है 100 से ज़्यादा। तो आज जो एक दो पॉइंट हैं, वो एक शक्की मजाज आदमी होता है वो तरक्की नहीं करता, दूसरा अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए सर दर्द की बाजी लगानी पड़ती है, सर देना पड़ता है। मेरे बाद दोस्त ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं, काबिल एहतराम हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शक इतना करते हैं कि कोई भी काम हो तो मैं कहते हैं कि भाई जान यह काम है, अब उन्होंने काम कर दे दिए, किसी को करवा दे दिए, उन्हें फिर अपने वायद नाल चेक करना होंगे, फिर अगे जाकर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं करते, अगे जाकर उन्हें फिर चेक करवाना होंगे कि भाई फलान चीज़ मैं लैके आया तो ठीक है, उन्हें कहना सही नहीं है, और किसी को पूछना फलान चीज़ लैके आया ठीक है, उन्हें कहना सही नहीं, दो नंबर, फिर उन्हें बयान जारी कर देना, यार एक चीज़ ही नहीं सही। ज़्यादातर मेरे दोस्त बाप जड़े हैं मिलते हैं, लेकिन शक्की मजाज ने मैं 10 से 12 लड़कियों के ऊपर तजर्बा किया है कि जड़ा बंदा शक करता है ना, वो कामयाब नहीं होता। इतमाद भी किसी से करना चाहिए है। अगर तुम किसी नाल लेके चले जाओ ना कि मैं शूज़ लेने ने, जुत्ती लेनी, या मैं कपड़े लेने ने, मैं ज़मीन खरीदनी है, मैं मोटरसाइकिल लेनी है, अगर तुम वो लेके दे दे तो फिर उस पर इतमाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने सोच के मुताबिक तुम्हें खरीद के देनी होगी। जो इंसान किसी ने अपने नाल लेकर टूटता है ना भी आओ कोई चीज़ उन्होंने लेके दो, तो फिर उनके ते इनसार करना चाहिए, फिर उन्हें अपनी मर्जी ना लेके देनी होगी, अपनी सोच ना लेके देनी होगी। अगर उनकी सोच तुम्हें पसंद नहीं, फिर तुम खुद ही चले जाओ, जाके ले लो। लैन तो बाद घर आगे शक करना, उस शक वाला बंदा फिर कामयाब नहीं होगा। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जेडे उन्होंने कोल भी कोई चीज़ पई हो ना, टेबल पर चारपाई पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे उनके सामने टेबल पर कोई चीज़ पड़ी हो, तो इतनी जहमत नहीं करते कि असी वो गिलास या खाना पिया है, सालन पिया है, कलम पिया है, यानी कोई चीज़ भी टेबल पर पई है तो उन्होंने चुक के असी यूज़ कर लीए। अगर उन्होंने नाल कोई आदमी बैठा है ना, तो उन्हें उन्होंने कहना बह जाना एक गिलास मैंने पानी पा के दिया जी, जाके एक फुट के दो फुट के वो चीज़ पई होएगी जिड़ी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुड़ भी वो कहता भी मैं नवाब भी बना रहा, ये उन्होंने नहीं पता कि मैनू घर के रोटी भी मिलती है कि नहीं मिलती, मेरी घर एक कदर भी है कि नहीं करती। वो लोग नाकाम लोग हैं, बहुत नाकाम लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कई कई साल तक तजर्बा चंद दोस्तों ने किया, 8 से 10 दोस्तों ने, लेकिन वो मेरे अगे आके रोते ने यार ना साढ़े घर का मसला है, साढ़े मियाँ बीवी की लड़ाई है, सानू तावीज़ पै गए, सानू फलां हो गया, फलां हो गया, मियाँ साहब प्रोग्रेस नहीं हो रही, सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। जबकि वो अपनी आदत तो मजबूर होंगे ने, उन्हें आदत पक चुकी होती, भैड़ी हो चुकी होती, वो आदत जी है, हैबिट वो छड़ते नहीं, उन्होंने घर बना चुकी होंगी, तो वो नवाबी रखते ने, तो उन्हें अगर नहाना भी है तो उन्हें कहना जी सू कपड़े घर देना, उन्हें कहना टांग के दो, सू बाल्टी भर के दो, सू कपड़े लिया के दो, तौलिया पकड़ाया जे, जबकि होंगे बेकार हैं, टोटली बेकार होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों भाइयों कि अपने हाथ नाल काम किया करो, खुश रह करो, अपने आप पर इनहसार किया करो, फिर इंसान की जी मेहनत होंगी वो ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह तबरक व तआला उसकी मेहनत का फल उन्हें मरण तो पहले जरूर दिता। तो बराए मेहरबानी अपने हाथ नाल काम करने की कोशिश की करो, कोई भी काम हो गए तुम उस टाइम किसी को कोई काम कहो जिस टाइम तुम ना कर सकते हो, क्योंकि अपने हाथ नाल काम करो उनकी बरकत होंगी है, सुन्नत है अपने हाथ नाल काम करना, इस कामयाबी है। जिहड़ी जिंदगी तुम गुजारोगे ना, जिस तरीके की गुजारोगे,
तुहाडे बच्चे भी जिहड़े अल्लाह ताला तुहानू देगा उन्हां च भी ओही खसलत होएगी, वह भी उस तरह अपने हाथ नाल ही काम करनगे। अगर तुसी काम चोर हो गए ना तुहाडे बच्चे भी काम चोर ही होंगे। हुण मैं ज़्यादा किंदी मिसाल दे रहा, मैं बस एक कुछ ही कहना चाहना कि बराए मेहरबानी काफ़ी दोस्त अभाव हैं जिहड़ा काम करना पसंद नहीं करते। बाज़ ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हां विच रिज़क बहुत ज़्यादा, आ जिहड़े फेरी वाले होंदे ना सैकल वाले रेहड़ी वाले, इन्हां च बहुत ज़्यादा बरकत है। यकीन कर जो उन्हां दे घरां दे विच ना लोग, उन्हां दी मियाँ बीवी बच्चे, हत्ता के बाज़ पड़ोसियों भी वो फ्रूट देंदे ने, सैकल के फ्रूट सेल करते हैं, रेहड़ी के फ्रूट सेल करते हैं, उन्होंने बच्चे फ्रूट खाते हैं। जो तनखाहदार तबका होता है वह फ्रूट खाने तो भी कासर है, वो तरसद है, कोई साफ गिनती की रखता है मेरी इन्नी तनखा लग गई, इतनी लग गई, इतनी लग गई। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि सानू ये शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, कि कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, जिसकी हलाल है, बारे से ना बरकत आती है। फिर असं कहने हुकूमत ने सर नौकरियां नहीं दीतियां, फला नहीं होया, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं सारी जिंदगी काम नहीं किया, मैं एफ ए कर लिया, बी ए कर लिया, हूँ मैं रेहड़ी ला लवा, वो इससे गलत ही गुरबत आनी शुरू हो जाती। फिर वो इतराज़ करते हैं साढ़ा वजीर आजम नहीं सही, साढ़ा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, जबकि असी मुल्क में खुद तरक्की पजीर मुल्क की लिस्ट असी आवाम ने शामिल किया। साढ़ा मुल्क पाकिस्तान बहुत दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, इतने चार मौसम है, समुंदर है, दरिया है, पहाड़ हैं, दुनिया की बड़िया बड़िया पहाड़ियाँ ने, तकरीबन सात तो नौ पहाड़ियाँ थे पाकिस्तान के हैं वर्ल्ड, बहुत अच्छा मुल्क है, साढ़ा जरई मुल्क है, उसके बावजूद दुनिया का शुमार तरक्की पजीर मुल्क होता है। ये असी खुद इनू इतों की आवाम ने तरक्की पजीर बनाया है, साढ़ा मुल्क गरीब नहीं है। मेरी वीडियो देखने वाले लोग कहेंगे यार तू अपने मुल्क की बदनामी कर रहे, नहीं, सानू अपने आप को दुरुस्त करना होगा। जेड़े भी ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करांगा कि यार वो इन चीज़ों पर ब्लॉग बनावन, हुकूमत को सियासत को दो नंबर के ब्लॉग छोड़न, तो बार बार लैक्चर देवन साड़ी आवाम नू, साड़िया मावां भैणां नू, ताकि असी कम वाले पास आईए, जिसके हलाल कमाइए, शर्म महसूस ना करिए, माँ नू माँ कहिए, भैन नू भैन कहिए, भाई नू भाई कहिए, दोस्त नू दोस्त कहिए, ते साडा मुल्क तरक्की कर जाएगा। ते उम्मीद है तुहानू मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट्स जरूर करना, शेयर भी करना। मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।